Assalamu alaikum viewers, I will start about bipolar distribution in this video. Bipolar distribution ko agar hum dekhen to bipolar ka name hi indicate kar raha hai ki isme hum koi se bhi do poles ke bare mein discuss karenge. Aur wo do poles kaun se hain viewers? That are north and south pole. Ye dono poles jo hain they are you can say that ke very cold poles, theek hai? Barfani ilake ya barfani regions jo hain, colder regions जो है इन पोल्स पे के करीब करीब होते हैं, ठीक है. तो ऐसे एनिमल्स जो कि इन रीजन में मौजूद होते हैं विच आर नियर टू दैट पोल, तो ऐसे एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम दे देते हैं बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि स्पीशीज दैट कैन सर्वाइव ओनली इन कोल्ड आर्कटिक क्लाइमेट कैन नॉट माइग्रेट टू द वार्मर एरियाज एंड हेंस रिस्ट्रिक्टेड टू द पोलर रीजन्स. के ये ऐसे एनिमल्स इसमें आ जाते हैं जो कि कोल्डर क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं और उसके अलावा वार्मर एरिया की तरफ मूव नहीं करते, तो वो वहीं के लिए रेस्ट्रिक्टेड होके रह जाते हैं. उसके बाद देखें अब वो दो पोल्स कौन से हैं दैट आर आर्कटिक एंड एंटार्कटिक. आर्कटिक जो है वो नॉर्थ पोल के लिए यूज़ किया जाता है और एंटार्कटिक जो है वो साउथ पोल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो इन पोल्स के ऊपर जो एनिमल्स होंगे दे विल कम इन बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन. और इसके अलावा जब आप इन पोल्स से आगे जाते हैं तो डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं लाइक सब ट्रॉपिकल रीजन, फिर आप सब ट्रॉपिकल से आगे जाते हैं तो ट्रॉपिकल रीजन्स आ जाते हैं. तो ऐसे रीजन्स में जो एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम बाइपोलर की टर्म यूज़ नहीं करते, ठीक है. तो हम सिर्फ आर्कटिक और एंटार्कटिक के लिए ही बाइपोलर की टर्म यूज़ करते हैं या उन्हीं एनिमल्स को हम इसी में इसमें कॉन्सिडर करते हैं. अब एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्ज़ाम्पल में पोलर बियर आ जाते हैं, आर्कटिक फॉक्स, लैमिंग्स, ठीक है. तो ये नॉर्थ पोल के हवाले से एग्जाम्पल्स हैं, मतलब आर्कटिक रीजन. उसके अलावा पेंगुइन को अगर हम देखें तो पेंगुइन जो है वो साउथ पोल के हवाले से एग्जांपल यहाँ पे हम कोट कर रहे हैं, दैट इज़ एंटार्कटिक रीजन. ये तो थी बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इंफॉर्मेशन. इसके बाद हम बात करते हैं एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन की. एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप एंडेमिक का मतलब समझ जाते हैं तो आप काफ़ी हद तक बातों को क्लियर कर जाते हैं. तो एंडेमिक देखिए किसी एक जो है स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग बात हो रही होती है या कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग बात हो रही होती है, सिर्फ उसी कॉन्टिनेंट के अंदर अंदर या उसी एरिया के अंदर रह के बात की जाए तो दैट इज़ एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन, या उन एनिमल्स के लिए हम एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर देखिए यही बात लिखी हुई है कि सम एनिमल्स फाउंड इन सर्टन कॉन्टिनेंट्स एंड अब्सेंट इन अदर एरिया, ठीक है. तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही होते हैं एक कॉन्टिनेंट के, उनके लिए हम एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म यूज़ करते हैं. उसमें एग्जांपल्स हम जिराफ की ले लेते हैं, हिपोपोटामस की ले लेते हैं जो कि सिर्फ इथोपियन रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है. इसके अलावा आप इसमें जो न्यूली इवॉल्व स्पीशीज है एनिमल्स की वो भी कंसीडर करते हैं एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि अभी उनको ऐसा टाइम नहीं मिला होता कि वो डिस्पर्स हो जाए, ठीक है. अभी न्यूली इवॉल्व होती हैं और दे डोंट गेट दैट टाइम कि वो उसमें उस टाइम में जो है वो डिस्पर्स होकर कहीं और जा सकें, इसलिए उनको एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन में कंसीडर कर लिया जाता है. तो इसके अलावा जो है आप नीलगाय की एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है. तो दैट्स ऑल अबाउट एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आके हमारे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जितना भी डाटा था वो मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है. तो आई होप सो ऑल द वीडियोज़ विल गिव यू सम हेल्प. अगर हेल्प देते हैं तो देन प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच व्यूअर्स.